हेलो लर्नर्स वेलकम टू चैनल तो इस वीडियो में हम डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ एम जो है प्रैक्टिस करेंगे तो देखिए डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स ई कॉमर्स के ऊपर हमने ऑलरेडी जो है तीन से चार वीडियो एम के बना रखे हैं आप उसको देख सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आप वहाँ से उसको देख सकते हो साथ ही साथ डिजिटल मार्केटिंग की थ्योरी और कॉन्सेप्ट्स को भी हमने समझा रखे हैं जो इंपॉर्टेंट डिजिटल मार्केटिंग के एस या फिर सर्च इंजन ऑप्टोमाइजेशन फेसबुक ट्विटर अलग अलग जो है ब्लॉगिंग माइक्रो ब्लॉगिंग ये सब हमने समझा रखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा पांच उसको भी देख सकते हैं देखिए एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका कॉन्सेप्ट अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है आपकी थ्योरी क्लियर है तो आप एम सी क्यू सॉल्व कर पाएंगे नहीं तो फिर आपको दिक्कत होगी आप सिर्फ एमसी क्यू प्रैक्टिस कर लें और सोचे कि हम एमसीक्यू जाके एग्जामिनेशन में अच्छे नंबर लाएंगे तो वहां पर दिक्कत हो सकती है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं और जरूरी नहीं कि सेम क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे दिया है वही क्वेश्चन सेम टू सेम पूछ लिए जाए इसी क्वेश्चन को घुमा के अलग स्टेटमेंट पे देके आपसे पूछा जा सकता है तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो फिर आप जो है सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चन है मार्केटिंग एफर्ट्स दैट यूज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और इंटरनेट रिफर्स टू तो अब डिजिटल मार्केटिंग की अगर आपने डिफिनेशन पढ़ी है तो आपको पता होगा कि मार्केटिंग एफर्ट देखिए मार्केटिंग क्या होता है आइडेंटिफाइंग एंड सेटिसफाइंग कस्टमर नीड एंड वांट्स प्रॉफिटेबली यानी कि आप मार्केटिंग में कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करते हो उसको प्रॉफिटेबली सेटिस्फाई करते हो तो अब जब वहाँ पे आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या इंटरनेट का यूज करके जब आप मार्केटिंग करते हो तो उसको क्या कहते हैं तो बट आप इसी बात है क्या कहेंगे सोसाइटल मार्केटिंग एनालॉग मार्केटिंग शॉप एफ डिजिटल मार्केटिंग तो ऑप्शन डी डिजिटल मार्केटिंग कहा जाएगा उसको तो मार्केटिंग एफर्ट दैट यूज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और इंटरनेट रिफर्स टू डिजिटल मार्केटिंग इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन है यूज ऑफ प्रिंट एड एड यानी कि एडवर्टाइजमेंट यूज ऑफ प्रिंट एड्स इन न्यूज़पेपर एंड मैगजीन इज द एग्जांपल ऑफ तो प्रिंट ऐड यानी कि न्यूज़पेपर में मैगजीन में जब आप कोई एडवर्टाइजमेंट देते हो तो ये किस टाइप का एग्जांपल है ट्रेडिशनल मार्केटिंग का डिजिटल मार्केटिंग का ऑनलाइन मार्केटिंग या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव तो देखिए प्रिंट एड ही न्यूज़पेपर मैगजीन में ये क्या था ये ट्रेडिशनल वे है पहले के टाइम से ही चला रहा है कि आप न्यूज़ पेपर में मैगजीन में अपना एडवर्टीजमेंट दे सकते थे क्या है ट्रेडिशनल मार्केटिंग है ऑप्शन ए इज द कट ऑप्शन डिजिटल या ऑनलाइन मार्केटिंग में क्या होता है फेसबुक पे ट्विटर पर यूट्यूब पे इन सब पे जो है आप एडवर्टीजमेंट्स कर रहे होते मार्केटिंग कर रहे होते तो वो डिजिटल मार्केटिंग या फिर ऑनलाइन मार्केटिंग कहलाता लेकिन आप न्यूज़ या मैगजीन में एडवर्टीजमेंट कर रहे हो तो वो क्या हो जाएगा ट्रेडिशनल मार्केटिंग हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिपिक्शन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग यानी कि अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग को डिपिक्ट करना हो पहचानना हो तो नीचे देखिए ऑप्शन में से किससे से पहचाने के हाँ ये डिजिटल मार्केटिंग का टर्म है या फिर डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है ऑप्शन है ई मार्केटिंग ऑप्शन बी सोशल मीडिया मार्केटिंग ऑप्शन सी वेब मार्केटिंग या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द बैप तो देखिए ई मेल मार्केटिंग सोशल मीडिया मार्केटिंग और वेब मार्केटिंग अगर आप इन तीनों तरीके से ही मार्केटिंग करते हो तो यह क्या कहलाएगा डिजिटल मार्केटिंग ही कहलाएगा तो यहाँ पे कट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द वेब आप इन तीनों से ही डिजिटल मार्केटिंग को डिबेट कर सकते हैं ईमेल मार्केटिंग सोशल मीडिया मार्केटिंग या फिर वेब मार्केटिंग तीनों से ही आप जो है डिजिटल मार्केटिंग को डिबेट कर सकते हैं अब देखिए डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है डिजिटल मार्केटिंग रिफर्स टू अ प्रोसेस ऑफ प्रमोटिंग कंटेंट वीडियो प्रोडक्ट सर्विसेज एटसेट्रा थ्रू सोशल मीडिया मार्केटिंग ईमेल मार्केटिंग वेब मार्केटिंग एफलेट मार्केटिंग एक्सेट्रा तो डिजिटल मार्केटिंग क्या हो गया डिजिटल मार्केटिंग एक तरीके से टेक्निक हो गया प्रोसेस हो गया जहां पे आप अपने कंटेंट को अपने वीडियो को अपने प्रोडक्ट को अपने सर्विस को क्या करते हैं प्रमोट करते हैं किसका यूज करके ई का यूज करके मीडिया सोशल मीडिया का यूज करके वेब का यूज करके एफलेट मार्केटिंग का यूज करके तो वही चीज क्या कहलाती है डिजिटल मार्केटिंग कहलाती है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट डिजिटल मार्केटिंग तो नीचे आपको चार स्टेटमेंट दिए गए हैं आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट डिजिटल मार्केटिंग के लिए करेक्ट नहीं है बाकी तीन ऑप्शन जो हैं वो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड होंगे लेकिन डिजिटल मार्केटिंग के लिए एक ऑप्शन नहीं होगा जो रिलेटेड नहीं होगा उससे ऑप्शन ए है डिजिटल मार्केटिंग कैन ओनली बी डन ऑनलाइन यानी कि डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ ऑनलाइन किया जा सकता है ऑप्शन बी डिजिटल मार्केटिंग कैन नॉट बी डन ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन नहीं किया जा सकता है ऑप्शन सी है डिजिटल मार्केटिंग रिक्वायर्स इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फॉर प्रमोटिंग गुड्स एंड सर्विस तो डिजिटल मार्केटिंग में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जरूरत पड़ती है मोबाइल हो गया डेस्कटॉप हो गया इन सबकी रिक्वायरमेंट होती है गुड्स और सर्विस को प्रमोट करने के लिए या फिर ऑप्शन डी इन जनरल डिजिटल मार्केटिंग कैन बी अंडरस्टूड एज ऑनलाइन मार्केटिंग वेब मार्केटिंग एंड ईमेल मार्केटिंग यानी कि जनरली हम डिजिटल मार्केटिंग को ऑनलाइन मार्केटिंग वेब मार्केटिंग एंड ईमेल मार्केटिंग के नाम से भी जान सकते हैं तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट है, है जो कि डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड नहीं है तो यहाँ पे क्या ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी आप भी देख रहे होंगे कि डिजिटल मार्केटिंग कैन नॉट बी डन ऑनलाइन भाई डिजिटल मार्केटिंग तो ऑनलाइन ही होती है इलेक्ट्रॉनिक मीडियम का यूज़ करके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज़ करके ऑनलाइन मीडिया का यूज़ करके तो डिजिटल मार्केटिंग कैन नॉट बी डन ऑनलाइन ये स्टेटमेंट जो है करेक्ट नहीं है डिजिटल मार्केटिंग के लिए तो ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे पूछा है नॉट करेक्ट है डिजिटल मार्केटिंग के लिए कौन सा ऑप्शन नॉट करेक्ट है तो ऑप्शन भी यहां पे करेक्ट ऑप्शन होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज करेक्ट वन यहां पे आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है पहला ऑप्शन है इफ़ यू नो अबाउट योर टारगेट ऑडियंस इंटेंट यू कैन ईजिली फोकस ऑन क्रिएटिंग वैलूबल कंटेंट यानी कि अगर आप अपने टारगेट ऑडियंस की इंटेंट को जानते हैं उनकी इंटेंशन को उनकी नीड को आ जानते हैं तो आप इजिली फोकस कर सकते हैं वैल्यूएबल कंटेंट क्रिएट करने में दूसरा ऑप्शन है यू शुड कंपेयर द वैल्यू ऑफ कंटेंट मार्केटिंग विद दैट ऑफ अदर मार्केटिंग स्टेट कैरी आउट बाई कंपटीटर यानी कि आपको जो है जो कंटेंट मार्केटिंग आप कर रहे हैं उसको अपने कंप्यूटीटर से भी जो है उसकी मार्केटिंग स्टेट भी कंपेयर करना चाहिए ठीक या फिर ऑप्शन ऑप्शन सी बोथ बोथ ए ए ए ए एंड एंड बी 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 आर आर ट्रू यानी यानी और और दोनों ही सही हैं या फिर डी फॉल्स कि और जो ऊपर स्टेटमेंट आपने सुना वो दोनों ही गलत हैं तो कौन सा ऑप्शन पे सही होगा सिर्फ ए होगा सिर्फ बी होगा या फिर बोथ ए एंड बी दोनों सही होंगे या फिर बोथ ए एंड बी दोनों ही गलत होंगे तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी आर ट्रू देखिए हमेशा याद रखिए कि, कि मार्केटिंग में क्या होता है कि आपको अपने कस्टमर की नीट को आइडेंटिफाई करना है और फिर सेटिस्फाई करना है तो जब आप टारगेट ऑडियंस के क्लाइंट के उनके इंटेंट को जानते होंगे तो आप इजली फोकस कर सकते हैं कि कैसा कंटेंट उनके लिए डेवलप करना है वहीं पे जो आपने कंटेंट डेवलप किया है उसको आपको अपने कस्ट जो कंपटीटर हैं उनके मार्केटिंग स्ट्रेटजी से भी कंपेयर करना चाहिए तो यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन क्या हो जाएंगे करेट ऑप्शन हो जाएंगे नेक्स्ट है द हाइपर लिंक योन इन योर वेब पेज रिफर्स टू है देखिए हाइपर लिंक क्या होता है जब आप आप, आप कोई वेबसाइट आप जाते हैं तो उस वेबसाइट पर बहुत सारी लिंक दिए होते हैं उस लिंक पर क्लिक करते हैं। तो आप किसी दूसरी वेबसाइट पर चले जाते हैं उस वेबसाइट पर भी बहुत सारे लिंक होते हैं उस पर क्लिक करते किसी दूसरी तीसरे वेबसाइट पर चले जाएंगे तो हाइपर लिंक क्या जाता है हाइपर लिंक जब आपके वेब पेज पर दिखा है तो उसको आप क्या कहेंगे इनबाउंड लिंक कहेंगे आउटबाउंड लिंक कहेंगे आई एफ टी टी लिंक कहेंगे या फिर केपीआई लिंक कहेंगे तो हाइपर लिंक जब आपके अपने वेबसाइट पे हो तो उसको क्या कहेंगे किसी दूसरे पेज का किसी दूसरे वेब पेज का किसी दूसरे वेबसाइट का लिंक आपने अपने पेज पे हाइपर लिंक दे रखा है तो उसको क्या कहेंगे उसको कहते हैं इनबाउंड लिंक कहते हैं क्या कहते हैं ऑप्शन है इनबाउंड लिंक वहीं पर अगर आपके वेबसाइट का किसी दूसरे के वेबसाइट पर हाइपर लिंक है तो उसको कहते हैं आउटबाउंड लिंक तो इनबाउंड लिंक यानी कि जब आपके वेबसाइट पर किसी दूसरे के वेबसाइट का लिंक है वेब पेज पर आपके किसी दूसरे आ, वेबसाइट का लिंक दिया गया है हाइपर लिंक दिया गया तो उसको हम इनबाउंड लिंक कहते हैं नेक्स्ट है, वेयर डू वी यूज़ कीवर्ड्स हम कीवर्ड्स कहाँ यूज़ करते हैं आप बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं तो उन कीवर्ड्स को हम कहाँ यूज़ करते हैं टैक्स में टाइटल में डिस्क्रिप्शन में या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एब में तो देखिए कीवर्ड्स जिनको लेके आप लोग भी वीडियो सर्च करते होंगे यूट्यूब तो कुछ कीवर्ड्स आते हैं जैसे डिजिटल मार्केटिंग आपने डाल दिया तो डिजिटल या मार्केटिंग ये क्या है ये की वर्ड्स हैं तो ये कीवर्ड्स हम टैक्स में भी यूज़ करते हैं टाइटल में भी यूज़ करते हैं जो भी कंटेंट होता है उसके डिस्क्रिप्शन में भी यूज़ करते हैं तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एवब यानी कि टै की को हम टैग टाइटल डिस्क्रिप्शन तीनों जगह ही यूज़ करते हैं तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ़ द एब हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सेट ऑफ पेजेज ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट अबाउट ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट पब्लिश बाई ए सिंगल पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन अंडर सिंगल डोमेन नेम उसको क्या कहोगे आप तो कुछ सेट ऑफ पेजेज होते हैं जो कि इंटरनेट पर्टिकुलरली किसी सब्जेक्ट के लिए पब्लिस किए जाते हैं कि कोई सिंगल पर्सन है कोई ऑर्गेनाइजेशन उसको पब्लिस करता है और एक सिंगल डोमेन नेम पे करता है सिंगल डोमेन नेम डोमेन नेम क्या होता है वेब पेज का एड्रेस होता है तो उस हम क्या कहेंगे ऑप्शन ए वेब पेज ऑप्शन बी वेबसाइट ऑप्शन सी हाइपर लिंक या फिर ऑप्शन डी वेब लिंक तो उसको हम कहते हैं वेबसाइट क्या कहते हैं वेबसाइट ऑप्शन बी वेबसाइट में क्या होते हैं बहुत सारे पेजेज होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं वेब पेज कहते हैं तो यहां पर लिखा है ना ए सेट ऑफ पेज ऑफ इफॉर्मेशन तो वेब पेज में क्या होता है इन्फॉर्मेशन होता है तो वेब सेट ऑफ पेज ऑफ इफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट अबाउट ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट है पब्लिश बाय सिंगल पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन ऑन ए सिंगल डोमेन तो उसको क्या कहेंगे वेबसाइट कहेंगे नम वेबसाइट में नंबर ऑफ वेब पेज होता है एक पेज की बात करेगा तो वेब पेज और नंबर ऑफ पेजेस को इकट्ठा क्या कहेंगे उसको वेबसाइट कहेंगे ऑप्शन भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है वेबसाइट वेयर वे पीपल कैन डायरेक्टली बाई प्रोडक्ट रिफर टू तो बहुत सारे टाइप के वेबसाइट होते हैं तो जैसे कि ई कॉमर्स कैटलॉग पोर्टफोलियो इंटरटेनमेंट बिजनेस वेबसाइट तो बहुत सारी वेबसाइट है तो ऐसा वेबसाइट जहां पे आप यानी कि पीपल जो है डायरेक्टली प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं उसको हम क्या कहेंगे कैसा वेबसाइट कहेंगे ई कॉमर्स वेबसाइट कैटलॉग वेबसाइट पोर्टफोलियो वेबसाइट या फिर इंटरटेनमेंट वेबसाइट तो उसको कैसा वेबसाइट कहेंगे जहां पर आप पीपल जो है वो डायरेक्टली प्रोडक्ट को परचेज कर सकते, सकते। तो हैं e e रिफर कर सकते हैं तो उसको कहते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट ई कॉमर्स यानी कि जहाँ पे आप इलेक्ट्रॉनिकली प्रोडक्ट को बाय एंड सेल कर सकते हैं तो ई कॉमर्स वेबसाइट कहा जाएगा ऑप्शन है इज द कैट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वेबसाइट फॉर यूज़ फॉर बिल्डिंग नेटवर्क विथ फ्रेंड एंड रिलेटिव इज ऑल्सो कॉल्ड सोशल नेटवर्किंग तो याद रखिएगा कि ये भी क्या एक तरीके का वेबसाइट है, है जहाँ पे आप फ्रेंड फैमिली से या रिलेटिव से जो है आप नेटवर्क बिल्ड करते हैं तो उसको हम कहते हैं सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट कहते हैं ये ऐसे ही आपके माइंड में होना चाहिए पॉइंट नेक्स्ट है डैश इज ए स्ट्रिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडिंग द कंप्लीट एड्रेस ऑफ द वेब पेज ऑन द इंटरनेट अब आपको यहां पे बताना है कि वो कौन सा ऑप्शन है जो कि कंप्लीट एड्रेस बताता है किसी भी वेब पेज का उसको क्या कहते हैं यू कहते हैं ऑप्शन बी डोमेन नेम कहते हैं या फिर ऑप्शन सी आई एड्रेस कहते हैं फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द एब तो देखिए कंप्लीट एड्रेस किसी वेब पेज का जो बताता है उसको कहते हैं यू यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन डोमेन नेम क्या है वो यू का पार्ट होता है डोमेन नेम यू का पार्ट होता है, लेकिन URL जो है वो complete address होता है वो तो होता किसी भी होते हैं टॉप लेवल डोमेन नेम सेकेंड लेवल डोमेन नेम थर्ड लेवल डोमेन नेम तो आपको बताना है कि दिवेदी गाइडेंस डॉट इस तरीके से आपके पास कोई वेब पेज का लिंक है यू आर एल है तो इसमें जो द्विवेदी गाइडेंस है वो किस लेवल का डोमेन नेम है टॉप लेवल डोमेन नेम सेकंड लेवल डोमेन नेम ऑप्शन सी थर्ड लेवल डोमेन नेम अभी ऑप्शन डी नन ऑफ द वेब तो द्विवेदी गाइडेंस का यहां पे सेकंड लेवल डोमेन नेम है ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन हो गया एस एल डी सॉफॉर्म में कहते हैं लेवल डोमेन नेम वहीं डॉट एजुकेशन तो डॉट ईडी क्या है वो टॉप लेवल डोमेन नेम है और द्विवेदी गाइडेंस से पहले कोई वर्ड लिखा होता तो वो क्या होता वो थर्ड लेवल डोमेन नेम होता तो आपको होप क्लियर होगा ये चीज तो द्विवेदी गाइडेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा सेकंड लेवल डोमेन नेम नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्ट ऑफ रेंटिंग स्पेस एंड बैंड थ्रू ए कंपनी सो दैट यू मे पब्लिश योर वेबसाइट ऑनलाइन रिफर्स टू यानी कि जब कोई कंपनी स्पेस रेंट करती है और वेंडविट जो है प्रोवाइड करती है ताकि आप अपने वेबसाइट को ऑनलाइन पब्लिश कर सको अब सपोज करिए आपको कोई वेबसाइट पब्लिश करनी है तो आप किसी कंपनी के पास जाओगे वो कंपनी आपको बैंडविथ और स्पेस जो है वो रेंट करेगी किराए पे देगी एक साल के लिए दो साल के लिए अपनी वेबसाइट पब्लिश करने के लिए तो फिर आप उसको क्या कहोगे वेब सर्वर कहोगे वेब होस्टिंग कहोगे वेब पेज कहोगे या फिर वेबसाइट कहोगे तो उसको कहते हैं हम वेब होस्टिंग यानी कि आपकी वेबसाइट को ऑनलाइन पब्लिश करने के लिए कुछ कंपनीज आपको स्पेस प्रोवाइड करती है बैंडविथ प्रोवाइड करती है उसको कहते हैं वेब होस्टिंग ऑप्शन बी इज दी करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट वेब होस्ट वेब होस्ट के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है नीचे दिए ऑप्शन से ऑप्शन ए प्रोवाइड विघनर फ्रेंडली टूल्स यानी कि कोई पहली पहली बार वेबसाइट बनाने जा रहा है उसको आइडिया नहीं है तो उसको जो है विघनर फ्रेंडली टूल्स प्रोवाइड करता है प्रोटेक्ट द सर्वर एंड वेबसाइट फाइल सर्वर पे जो भी आपका डेटा है जो भी आपके फाइल्स हैं उसको प्रोटेक्ट करता है ऑफर कस्टमर सपोर्ट सर्वर मेंटेनेंस वेब होस्ट जो है वो आपको कस्टमर सपोर्ट या फिर सर्वर मेंटेनेंस प्रोवाइड करते हैं और या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द वेब ऊपर के तीनों ही चीज़ें प्रोवाइड करते हैं तो देखिए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा ऑब ऑप्शन ये तीनों ही चीज़ें जो है प्रोवाइड की जाती हैं वेब होस्ट के द्वारा विग्नर फ्रेंडली टूल्स प्रोवाइड की जाती है सर्वर और वेबसाइट फाइल्स प्रोटेक्ट करते हैं कस्टमर सपोर्ट प्रोट देते हैं मेंटेनेंस भी करते हैं सर्वर का तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एब नेक्स्ट है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फॉर एसेसिंग दी वर्ल्ड वाइड वेब तो आपको बताना है कि डब्लू डब्बू डब्ल्यू यानी वर्ल्ड वाइड वेब को एसेस करने के लिए वो कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपको बताना है ऑप्शन है वेब ब्राउजर ऑप्शन बी वेबसाइट ऑप्शन सी वेब पेज या फिर ऑप्शन डी वेब लिंक आप किसका यूज करके वर्ल्ड वाइड वेब का जो है एक्सेस करते हो तो ऑप्शन सभी को

माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पावर पॉइंट ऑफ वेब पेज तो आप सभी ने अगर सुना है नाम तो आपने सुना होगा वेब वर्ल्ड प्रेस अगर आपको कुछ लिखना है कुछ आपको वेबसाइट बनानी है आपके पास फ्री में आप जो है वेबसाइट बनाना चाहते हो तो आप जो है वर्ल्ड प्रेस पर जा सकते हो यहाँ पर आप जो है अपनी खुद की वेबसाइट बना सकते हो और उसको होस्ट कर सकते हो ये एक तरीके का कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि आपको हेल्प करता है कि आप अपनी वेबसाइट को बनाओ और होस्ट कर सको तो ऑप्शन ए इज़ दी करेक्ट ऑप्शन वर्ल्ड प्रेस बाकी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पावर पॉइंट ये क्या है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वहीं पर डी वेब पेज सभी को पता है कि वेबसाइट में जो अलग अलग पेज होते हैं उसको वेब पेज कहते हैं नेक्स्ट है सी एम एस स्टैंड फॉर तभी आपने ऊपर देख ही लिया सी एम एस का सीधे सीधे फुल फॉर्म चलते हैं तो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम ऑप्शन ए इज दी गेट ऑप्शन तरीके सी एम एस यानी कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम डिजिटल मार्केटिंग में सी एम एस का मतलब ये होता है नेक्स्ट है फ्री प्लेटफॉर्म होस्टेड बाय गूगल एज तो गूगल द्वारा एक फ्री प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपनी वेबसाइट बना सकते हो अपना कंटेंट क्रिएट कर सकते हो तो उसको क्या कहते हैं वर्डप्रेस ब्लॉगर टम्बलर या फिर ऑप्शन डी ऑल तो जो गूगल जो फ्री प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पे आप अपनी ब्लॉगिंग कर सकते हो तो उसको कहते हैं ऑप्शन ए ब्लॉगर ऑप्शन बी ब्लॉगर ब्लॉगर है जो कि फ्री प्लेटफॉर्म है जो कि गूगल द्वारा प्रोवाइड किया जाता है जहाँ पे आप अपने थॉट्स अपने ब्लॉगिंग uh, अपने कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं नेक्स्ट है इस सॉफ्टवेयर कंपोनेंट दैट एड्स ए स्पेसिफिक फीचर टू एन एग्जिस्टिंग कंप्यूटर प्रोग्राम उसको क्या कहते हैं देखिए बहुत सारे आपने सुना होगा प्लग इन एड ऑन एक्सटेंशन आप इस तरीके से अगर अपने नेट यूज़ करते हैं तो वहाँ पर आता है एक्सटेंशन प्लग इन एड ऑन तो क्या होते हैं वो एक्स्ट्रा फीचर्स आपको प्रोवाइड करते हैं उस पेज पे उस वेब पेज पे उस वेबसाइट पे, पे तो क्या कहलाता है प्लग इन कहते हैं तो वो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट होता है जो कि स्पेसिफिक फीचर प्रोवाइड करता है एग्जिस्टिंग कंप्यूटर प्रोग्राम में तो उसको कहते हैं प्लग इन या एड ऑन या फिर एक्सटेंशन भी कहते हैं देखिए एडॉप फ्लैश प्लेयर एलिमेंटर ये सब क्या है ये एक्सटें एडिशनल फंक्शनैलिटी आपको प्रोवाइड करते हैं एक्सटेंशन कहलाते हैं ये एडॉप फ्लैश प्लेयर नहीं होगा तो अगर कोई वेब पेज में कोई वीडियो होगा तो वो चलेगा ही नहीं तो ये एडोप फ्लैश प्लेयर आपको जो है एडिशनल फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है तो इस तरीके से तो उसको प्लग इन कहते हैं एड ऑन कहते हैं एक्सटेंशन कहते हैं नेक्स्ट है प्लग इन ऑल्सो कॉल्ड एज तो प्लग इन कैस को हम और किस नाम से कहते हैं एड ऑन एक्सटेंशन बोथ बी ए एंड बी या फिर नन ऑफ दबाया प्लग इन को आप एड ऑन भी कह सकते हो एक्सटेंशन भी कह सकते हो तो ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी दोनों ही करेक्ट ऑप्शन है जो कि एडिशनल फंक्शनैलिटी एडिशनल सर्विसेज एडिशनल फीचर प्रोवाइड करते हैं किसी भी वेबसाइट में या फिर वेब पेज में नेक्स्ट क्वेश्चन है ए ड्रैग एंड ड्रॉप पेज बिल्डर फॉर वर्ड प्रेस दिस प्लग इन हेल्प यू टू क्रिएट ब्यूटीफुल पेज यूजिंग विजुअल एडिटर तो आपको नीचे दिए ऑप्शन में बताना है कि वो कौन सा एक टाइप का विजुअल एडिटर है जो कि ड्रैग एंड ड्रॉप पेज बिल्डर है वर्ल्ड में गूगल वर्ड प्रेस एलमेंटर या फिर ऑप्शन डी नॉन ऑफ दैब तो देखिए गूगल क्या हो गया ब्राउजर हो गया वर्ड प्रेस क्या हो गया या आपने भी देखा कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है यहां पर क्या बात हो रही है ड्रैग एंड ड्रॉप पेज बिल्डर है जो कि विजुअल एडिटर के यूज करके आप ब्यूटीफुल पेजेस क्रिएट कर सकते हैं तो उसको कहते हैं एलिमेंटर ऑप्शन सी एलिमेंटर इज द कैट ऑप्शन एक ड्रैग एंड ड्रॉप पेज बिल्डर है जो कि वर्ड में नॉर्मली पाया जाता है और ये आपको जो है विजुअल एडिटर का यूज करके ब्यूटीफुल पेजेस क्रिएट करने में हेल्प करता है प्लग है एक तरीके का ये एड ऑन है एक्सटेंशन है क्या है एलिमेंटर नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लॉगिंग

छोटे छोटे साइज में जो है आप उसको ब्लॉगिंग कर रहे हो अपनी पर्सनल एक्टिविटीज को शेयर कर रहे हो तो उसको क्या कहते हैं माइक्रो ब्लॉगिंग जैसे आपने देखा होगा फेसबुक हो गया ट्विटर हो गया सब क्या है माइक्रो ब्लॉगिंग है इंस्टाग्राम हो गया छ तीस तीस सेकेंड के वीडियो बन रहे हैं एक, एक मिनट के वीडियो बन रहे हैं तो माइक्रो ब्लॉगिंग कहलाता है ऑप्शन बेज दिक नेक्स्ट है मोस्ट पॉपुलर माइक्रो ब्लॉगिंग साइट विद द लिमिट ऑफ वन फोर्टी कैरेक्टर आपको बताना है कि वो कौन सा मोस्ट पॉपुलर माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है जहां पर एक सौ कैरेक्टर का लिमिट होता है अब जो है वहाँ पर माइक्रो ब्लॉगिंग कर सकते हैं तो कैड ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन ए ट्विटर फेसबुक टम्बलर या फिर इंस्टाग्राम कहां पे है जहां पे वन फोर्टी का लिमिट है और मोस्ट पॉपुलर है तो सभी को पता है ट्विटर ऑप्शन ए इज दी

बेस्ट वे टू प्रमोट ए बिजनेस विद सोशल मीडिया तो आपको पताना है कि कौन सा बेस्ट तरीका होगा अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए सोशल मीडिया का यूज करके ऑप्शन ए चूज द राइट प्लेटफॉर्म राइट प्लेटफॉर्म को चूज करिए ऑप्शन बी इंकरेज इंगेजमेंट इंगेजमेंट को इंक्रेज करिए ऑप्शन सी प्रोवाइड वैल्यू एंड डोंट ओवर प्रमोट वैल्यू प्रोवाइड करिए और ओवर प्रमोट मत करिए ओवर प्रोमोशन मत करिए फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द बब तो बेस्ट वे जो है सोशल मीडिया पे अपने आप को प्रमोट करने का क्या तरीका है तो यहाँ पे देखेंगे तो तीनों ही तरीका सही है तो राइट प्लेटफॉर्म चूज करना है एंगेजमेंट को इंक्रेज करना है वैल्यू प्रोवाइड करना है और ओवर प्रमोट नहीं करना है तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एवर हो जाएगा नेक्स्ट है डिजिटल मार्केटिंग रिवॉल्स अराउंड दीज फाइव डीज तो आपको बता रहे कि फाइव डी कौन से हैं जिसके अराउंड डिजिटल मार्केटिंग रिवॉल्व करता है तो डिजिटल डिवाइस डिजिटल प्लेटफॉर्म डिजिटल मीडिया डिजिटल डेटा या डिजिटल टेक्नोलॉजी ऑप्शन बी डेबिट डिजिटल प्लेटफॉर्म डिजिटल मीडिया डिजिटल डेटा डिजिटल टेक्नोलॉजी या फिर ऑप्शन सी डिजिटल डिवाइस डिजिटल प्लेटफॉर्म डिजिटल मीडिया डिजिटल डेटा एंड ऑफलाइन टेक्नोलॉजी या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द तो देखिए यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है सभी को पता होगा कि डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो आप तो वहाँ पे आपको डिजिटल डिवाइस होना चाहिए प्लेटफॉर्म होना चाहिए मीडिया होना चाहिए डेटा होना चाहिए और डिजिटल टेक्नोलॉजी होनी चाहिए तो फाइव डी यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन ए डिजिटल डिवाइस डिजिटल प्लेटफॉर्म डिजिटल मीडिया डिजिटल डेटा एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस फॉर्म ऑफ एडवर्ट एडवर्ट यानी कि एडवर्टाइजमेंट दिस फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजमेंट डिलीवर्ड ऑन सोशल प्लेटफॉर्म एंड सोशल गेमिंग वेबसाइट एंड एप्स अक्रॉस ऑल डिवाइस टाइप इज नॉन एज तो आपको बताना है कि उस एडवर्टीजमेंट को कौन सा एडवर्टीजमेंट कहते हैं जो कि सोशल प्लेटफॉर्म पर सोशल गेमिंग वेबसाइट और ऐप पर जो है दिखाई जाती है ऑप्शन है मोबाइल मार्केटिंग ऑप्शन बी सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग ऑप्शन सी इंटरनेट एडवर्टाइजिंग या फिर ऑप्शन डी ई मार्केटिंग तो क्वेश्चन से क्लियर होना चाहिए कि सोशल प्लेटफॉर्म पर सोशल गेमिंग वेबसाइट एंड ऐप पर आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं तो वो क्या होगा सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ब्लॉग ब्लॉग क्या होता है ऑप्शन ए ऑनलाइन म्यूजिक होता है ऑप्शन बी इंटरनेट होता है ऑप्शन सी ए पर्सनल और कॉर्पोरेट वेबसाइट इन द फॉर्म ऑफ एन ऑनलाइन जर्नल या फिर ऑप्शन डी ए पर्सनल और कॉर्पोरेट गूगल सर्च होता है तो देखिए ब्लॉग ब्लॉग में क्या होता है कि आप अपनी पर्सनल चीजें या फिर ऑर्गेनाइजेशन अपनी चीजें जो है शेयर करते हैं लोगों के साथ तो ये पर्सनल एंड कॉर्पोरेट वेबसाइट इन द फॉर्म ऑफ एन ऑनलाइन जर्नल तो क्या है ऑप्शन सी ए पर्सनल और कॉर्पोरेट वेबसाइट इन द फॉर्म ऑफ एन ऑनलाइन जर्नल अब यहां पे देखिए कुछ टॉपिक्स हम आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हम आपको बता दें कि जैसे कि टॉप लेवल डोमेन नेम तो सभी को पता होगा डॉट कॉम डॉट कॉम मतलब कि कॉमर्सियल बिजनेस वेबसाइट को शो करता है डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट समथिंग डॉट कॉम तो वो क्या है डॉट कॉम कॉमर्शियल बिजनेस करते हैं क्या है डोमेन नेम होता है लिंक होता है डॉट कॉम डॉट ओ आर यानी ऑर्गेनाइजेशन होता है डॉट .net नेट यानी नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन डॉट जी ओ यानी गवर्नमेंट एजेंसीज़ को शो करता है डॉ मिल लगता यानी कि मिलिट्री है डॉट ई डी यू लगता यानी कि एजुकेशनल फैसिलिटीज़ या लाइक यूनिवर्सिटीज़ हैं वे कॉलेजेज हो सकते हैं डॉट टी एच यानी कि थाईलैंड की वेबसाइट डॉट सी यानी कैनेडा से रिलेटेड डॉट बिज यानी कि बिजनेस तो ये क्या है ये डोमेन नेम है जिसको हम टॉप लेवल डोमेन कहते हैं इसमें होते हैं आप बहुत सारी वेबसाइट देते हैं डॉट इन लगा होता है डॉट इन यानी कि इंडिया डॉट ओ आर जी ऑर्गनाइजेशन डॉट कॉम कॉमर्शियल वेबसाइट्स तो इससे आप पता कर सकते हैं कि किस टाइप का वेबसाइट है वो। वहीं पे वेब ब्राउजर के कुछ एग्जांपल्स आपसे पूछ सकते हैं तो इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया गूगल क्रोम हो गया मोजिला फायरफॉक्स हो गया सफारी ओपेरा कॉनकरर एंड लिंक्स ये सब क्या है ये वेब ब्राउजर है जिनका यूज़ करके आप डब्ल्यू 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 यानी वर्ल्ड वाइड वेब को एक्सेस कर सकते हो वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो वेब पेज को एक्सेस कर सकते हो तो वेब ब्राउजर्स होते हैं वहीं पर माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स के एग्जाम्पल्स आपसे पूछे जा सकते हैं तो माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स जैसे कि आपने देखा था ट्विटर फेसबुक इंस्टाग्राम टम्बलर पिन ये सब क्या है ये सब माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स है लिंगड ये क्या है माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स है तो आपको ये सारी चीज़ें जो आपको डिजिटल इन्वॉर्मेंट के बारे में पता होनी चाहिए देखिए डिजिटल मार्केटिंग पूरा का पूरा आपके आसपास ही रिवॉल्व कर रहा है कि मार्केटिंग डिजिटल मीडिया का यूज़ करके ऑनलाइन मीडिया का यूज़ करके कैसे आप कर सकते हो वही डिजिटल मार्केटिंग है तो डिफ़रेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी है डिफरेंट डिफरेंट साइट्स हैं वेब पेज वेब है वेबसाइट है यू है आपका डोमेन है ये सारी टर्मिनोलॉजी आपको याद करनी पड़ेंगी विश ऑल द बेस्ट के पहुंचे